कोरोना महामारी की वजह से सभी परेशान हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र से दूरी बना ली और कोविड केंद्रों पर पर्याप्त स्वास्थ्य संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाए, तो ऐसी स्थिति में आमजन और पाटीदार समाज संगठन आगे आए और इस महामारी में कोविड केंद्रों पर जरूरत संबंधित संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। इसी क्रम में हाटपिपलिया नगरवासियों और पाटीदार समाज के युवाओं ने अलग अलग कोविड हेल्प के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, जिसके माध्यम से राशि एकत्रित कर 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन मंगवाई गई। बागले से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। इस कोरोना महामारी के दौर में जैसा कि हमें सभी को ज्ञात है कि ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लतें आ रही थी, तो पाटीदार समाज युवा संगठन के युवा साथियों ने मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के माध्यम से हम सभी ने छोटे छोटे रूप में 500, 1000, 2000, 5000 तक के लोगों ने दान के रूप में राशियाँ दी और उससे हमने 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने हाटपिपलिया और एक बागली कोविड सेंटर में दिया है, ताकि कोरोना महामारी से जूझ रहे हमारे बीच रहने वाले लोगों को ऑक्सीजन की संबंधित समस्याएं कम से कम हो जाए। धन्यवाद। सरज, कोविड सेंटर हट बीपिया में मशीनें दी गई, किस संबंध की मशीनें, क्या काम आती है सर और किन के द्वारा दी गई? सिविल हॉस्पिटल हट बीपिया को पाटीदार समाज एवं हट बीपिया की जनता द्वारा एक बहुत बड़ा योगदान किया गया है। यह योगदान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के रूप में किया गया है। यहाँ पर कोविड सेंटर में जो लोगों को आज ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, यह मशीन ऑक्सीजन को उत्पन्न करती है और एटमोस्फेरिक प्रोडक्शन करती है ऑक्सीजन का, जिससे किसी सिलेंडर या किसी ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए कोई मशक्कत नहीं करना पड़ता है। यह नेचुरली ऑक्सीजन को बनाकर और पेशेंट को डायरेक्ट 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन प्रदान करती है। नॉर्मल इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन वाले पेशेंट के लिए यह मशीन बहुत कारगर है और मैं जो यह योगदान जनता द्वारा किया गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।